आज हम कर्नाटका की बात करने जा रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारियां करते हुए दिखाई दे रही है और लगातार कारवान कंटेंडेंसी से एमएलए अवसर मोइनुद्दीन साहब लगातार गुलबर्गा का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से एक तरफा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने गुलबर्गा में अपनी जद्दोजहद के जरिए से मजलिस को बुलंदियों पर पहुँचा रही है और लगातार यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल के ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने काम को अंजाम देते हुए दिखाई दे रही है। और एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इलियास सेठ बागबान साहब ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में अपने आप को शामिल कर लिया है, उसके बाद से एक नया माहौल और एक नया इनकलाब पूरे गुलबर्गा शहर में देखने को मिल रहा है। उसी के तहत यहाँ पर मजलिस ने एक अपने नुमाइंदों को उतारने का ऐलान कर दिया है और आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के तहत वो गुलबर्गा में अपना मेयर बनाने के लिए यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। और शहर हमारा मेयर हमारा यही नारा लगाते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मैदान में उतर चुकी है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी ग्रैंड वेलकम होने जा रहा है और जल्द ही असदुद्दीन अवैसी साहब गुलबर्गा में तशरीफ लाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जिस तरह से इलेक्शन का आगाज़ हुआ है और उसके बाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस इलेक्शन में बिजी हैं और जैसे ही उनको टाइम मिलता है तो वो जल्द ही गुलबर्गा शहर का दौरा करेंगे और यहाँ पर अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब की निगरानी में और इलियास सेठ बागबान साहब की निगरानी में जो जॉइनिंग प्रोग्राम किए जा रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर वो काम का जायज़ा लेंगे और आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ का इलेक्शन लड़ेगी। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।